बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कारोबार है नहीं कि कम से कम मार्केट का टाइम जो है वो 12 बजे तक किया जाए। लोग भूख से मर रहे हैं, दुकानों को आग लगा ले। हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल इसको कारोबार को खत्म करे। पाकिस्तान के मुआशी हालात से लेके हर तरह के मसाइल तो हमारे ऊपर हैं। खुदा रहा इन लोगों के ऊपर रहम करे। हम अगर दुकान को टाइम नहीं देंगे, बाहर जाके उधर एहतजाज करने बैठ जाएं, तो इधर से जो 2 रुपए हम कमा रहे हैं उस वो भी गंवा देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, जेड एक्सिस न्यूज़ से मैं हूं नूरजहां ज़ैन। कि हुकूमत ने एक ऐलान किया है बिजली बचाने के लिए कि मगरिब के बाद दुकानें सब बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से आवाम की दुकानदारों की क्या राय, आए हमारे साथ, हम उन्हीं की ज़ुबानी उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुकूमत ने एक ऐलान किया है बिजली बचत के लिए कि मगरिब के बाद दुकानें बंद कर देंगी, आपकी क्या राय? तो मेरा तो राय ये है कि हुकूमत, मगरिब तो बहुत दूर है, इनको चाहिए कि बिल्कुल सुबह से बंद कर दें, क्योंकि काम किया है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कारोबार है नहीं, हुकूमत और क्या करेगी। आपका नुकसान नहीं हो? मेरा तो नुकसान वैसे भी नुकसान है, लोग भूख से मर रहे हैं और हुकूमत ये ऐलान कर रहा है, ठीक है ना, आगे से बिजली का बिल कितने आ रही है। तो मेरा तो कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल इसको कारोबार को ख़त्म करे, ये दुकानों को आग लगा ले, ठीक है ना। सही है, वैसे भी दुकान जो है ना ताजर बरादरी पसे हुई है, बिल्कुल ख़राब हालात है, बिजली का बिल पूरा नहीं हो सकता, मुलाजिमों का खर्च ही पूरा नहीं होता, ठीक है ना, दुकानों का किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बिजली का बिल कम करने के लिए ये बोला? तो बिजली अभी अगर मिसाल के तौर पर हमारा काम तो शुरू हुई मगरिब के बाद होती है, इधर तो जो है ना लिबर्टी मार्केट है, आपको पता है कि इधर जो है ना तकरीबन 3-4-5 बजे के बाद लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो उस वक्त फिर जो है ना लोग निकलते हैं और ये दुकानें बंद करना चाहती है, तो ये तो सरासर जाती है। तो आपके पास कस्टमर कब आता है? मगरिब के बाद। और सेल एक दिन की कितनी होती है? पहले तो हमारा सेल होता था 1,50,000-1.5 लाख रुपए, अभी हमारा होता है 3,000-4,000 रुपए पर डे का। 3,000-4,000 दुकान का खर्च है तकरीबन, इस दुकान का खर्च है 20,000-22,000 रुपए दुकान का खर्च है। इतनी छोटी सी दुकान का 20-22,000? हाँ 20-22,000। ये जो अभी जो है ना खाली हुकूमत का काम नहीं है, अभी ये जो दुकान का मालिक है, ठीक है ना, सही है, इस दुकान का किराया है 2,75,000 रुपए, वो बोलते हैं मुझे 5 लाख दे दो। आगे से जो है ना बिल आता है, पहले बिल आता था 10,000-20,000 रुपए, अभी बिल आता है 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना, सही है। पहले मुलाजिम का खर्चा था तकरीबन 20,000 रुपए, अभी उसका जो है ना वो सैलरी है 30-35,000 रुपए, ठीक है ना। तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों को बताए कि बिल्कुल कारोबार ही ख़त्म करें, ठीक है ना। तो हुकूमत को कोई पैगाम नहीं देंगे? क्या पैगाम दूंगा हुकूमत को, मैं कुछ बता नहीं सकता, आपको पता है हाल दर्दी जो है ना, हुकूमत खुद समझदार है, लोग जो है ना भूख से मर रहे, रोज़ आप देख रहे हो खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, सही है। हर घर में जो है ना पाके है, लोग कुछ कह नहीं रहा, ठीक है ना, सही है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर बंदा सफ़ेद पोश मजबूर है, ठीक है ना, सही है। यकीन करो आप मस्जिदों पे जाके देखो, जब नमाज हो जाए तो हर कोने से आवाज़ आती है कि मेरे साथ जो है ना हेल्प करो, मैंने बिजली का बिल दाखिल करना है, मैंने घर का रेंट देना है, ठीक है ना, सही है। यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, मैं खुद इधर का नहीं, मैं स्वाद का हूँ, मगर यकीन करो मेरे मुझे बहुत जो है ना रोना आता है, हुकूमत की तरस आती है कि आप खुदा रहा इन लोगों के ऊपर रहम करें। तो पहले की हम हुकूमत नहीं ठीक थी आपकी? पहले तो ठीक था, तो इसी वजह से आप अभी आप लोग मेरे पास आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि हालात ख़राब है, तो आपने माइक इधर लेकर आए, ठीक है ना, से पहले आप लोग भी नहीं आए हो ना, अभी आपको पता चल गया कि हालात ख़राब है तो आप लोग हमारे पास आते हो, पूछते हो। इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी या नौश? मैं तो किसी पार्टी के भी बारे में बात नहीं करूँगा, सब के सब जो है ना चोर है, सब के सब, किसी एक बंदा अभी तक जो है ना कोई बंदा ईमानदार आया नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर रहम करें। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हुकूमत ने ना बिजली बचत के लिए ना एक निकाला है कि हम लोगों ने मगरिब के बाद दुकानें बंद कर दी। जी, मगरिब के बाद दुकानें बंद करने का अभी शेड्यूल ये होना चाहिए, असल में यहाँ का जो लाहौर का या जो रिच कस्टमर जितना भी है, जितनी भी फैमिली, तो वो उठते ही तकरीबन 3-4 बजे के बाद उठते हैं, उनकी सुबह का नाश्ता ही 2 बजे के बाद होता है, तो वो 7 बजे तक तो उठ ही नहीं पाएंगे, जो मार्केट में कौन आएगा। वैसे भी हमारे हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात से लेके हर तरह के मसाइल तो हमारे ऊपर हैं, तो इसलिए हमारा कहना ये है कि कम से कम मार्केट का टाइम जो है वो 12 बजे तक किया जाए, और दिन को भले 12 से 12 बजे तक 12 घंटे के लिए मार्केटें खुले, ताकि जो कस्टमर जो ख़रीदारी के लिए निकलता है, रात के टाइम ठंडा टाइम भी होता है, सुकून से बंदा ख़रीदारी भी कर सकता है, और 7 बजे तक, तो 7 बजे के बाद यहाँ के लोग तो उठते ही नहीं हैं। बाकी जो देहाती गांव वाले लोग हैं, जो हम जिस तरह के बेसिकली थरपारकर सिंध से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर तो पहले से ही टाइमिंग वो 5 बजे बंद करके चले जाते हैं, तो ये फैसला ठीक नहीं है 7 बजे तक का। तो हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? कभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो अब इन्होंने दुकानें बंद करवा दी, अब इन्होंने बिजली बचत के लिए। असल में पाकिस्तान का एक तो ऊपर वाला वही हमारे ऊपर कुछ कर सकता है, बाकी जो इधर के जो हुक्मरान हैं या हमारी आवाम है, आवाम भी किसी मसले के लिए निकलती नहीं है,
हम कहाँ से निकले? अभी हम इधर अपने मसाइल में इतने फंसे हुए हैं कि हम अगर दुकान को टाइम नहीं देंगे, बाहर जाके उधर एहतजाज करने बैठ जाएं, तो इधर से जो 2 रुपये हम कमा रहे हैं उस वो भी गंवा देंगे ना। तो हमें पहले ही खाना का मतलब इन लोगों ने हमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही महदूद रखा हुआ है, ताकि हमारे दिमाग में और कोई चीज़ बात भी ना आए।